आज इस माध्यम से उनको लोग आज पहचानते हैं। ऐसे एक खास उदाहरण दूंगा आपको मैं, मेडिकल फिटर्निटी के डॉक्टर थे डॉक्टर जयनंदम, जिन्होंने 1000 बाईपास सर्जरीज की है, और वो सर्जरीज की है उन्होंने USA में, जिनके लिए सब डॉक्टर्स जब जवाब दे देते हैं कि भाई इस केस का कुछ नहीं हो सकता है, उन केसेस को वो हैंडल करते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है, लेकिन अपने वतन में अपने देश में उस आदमी को जो खुद हिंदुस्तानी है, एक छोटे से गांव से, केरला के गांव से वो USA गए, उन्होंने वर्ल्ड वाइड अवार्ड्स लिए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उन्हें अवार्ड कभी नहीं दिया गया। जब वो स्टेज पर थे उनकी आंखों में आंसू थे कि भाई मैंने अवार्ड हर कंट्री में लिए हैं, लेकिन अपने देश में मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। वो अपने आप में एक फील था जो हमें एक अलग मुकाम पे ले गया उस समय कि यार ये है वो चीज़ जो डेफिनेटली हमें एक अल्टीमेट सुकून देती है कि हमने कुछ ऐसा किया, वी ब्रॉट स्माइल्स टू पीपल हुम प्रोबेबली पीपल शुड हैव थॉट ऑफ लॉन्ग बैक। आप उस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने इतने बड़े अवार्ड को मैनेज किया, और आपके जॉनर अलग और ये जॉनर अलग, किस तरह से मैनेज किया और किस तरह से आपने संभाला इस चीज को? द बैकबोन वॉज पूनम जी। पूनम जी क्योंकि इस इंडस्ट्री से थी, उनके लिए आसान था इस चीज़ को आगे बढ़ाना, लेकिन उनके डे टू डे इशूज़, जैसे आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि काफ़ी तकलीफ़ों का आपने सामना किया होगा, काफ़ी मुश्किलें आई होगी, तो उस सेगमेंट को मैं नहीं समझता हूँ कि बिकॉज वो एक खुद एक लेडी हैं और वो हर जगह हर दफ्तर में जाएं या डिस्कस करें बात करें, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था, मुमकिन नहीं था। वो फॉर्मेट मैंने संभाला, इस वजह से जो तालमेल था पूनम जी का है और मेरा, वी कुड टेक इट फॉरवर्ड वेरी स्मूथली। पर्सनल रिलेशंस, एक थॉट उनसे शेयर करना कि भाई एक बहुत अच्छा नोबल कॉज है, पूनम जी का पूरा प्रयास, उनके पुराने रिश्ते संबंध उन्होंने अपने जोड़े, कुछ लोगों को जोड़ने के लिए इकट्ठा करने के लिए, ये सब चीज़ें मिला जुला के ही ये चीज़ आगे बढ़ सकी। सर आपने बॉलीवुड और एक ऐसे अवार्ड को नॉमिनेट किया, एक ऐसे अवार्ड को आपने बनाया जिसका सफर अब जारी किया है आपने बड़ी मुश्किलों के द्वारा, अब कौन कौन लोग उनसे जुड़ने वाले, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप भी आपका शायद कुछ अलग ही थॉट के साथ आएगा? नहीं, कौन कौन लोग जुड़ेंगे इस समय ये बोलना मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहीं बताना रह गया, हर जैसे हमने अलग अलग सेगमेंट्स डिसाइड किए अवार्ड्स के, हॉस्पिटैलिटी, मेडिसिन, लिटरेचर, डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, हर सेगमेंट के पीछे दो जूरी मेंबर्स हैं जो हिंदुस्तान के टॉप इलाइट नॉन बायस्ड लोग हैं, जिन्हें ये मतलब नहीं कि अवार्ड किसको देना है और क्यों देना है। हाँ, वो उसकी मॉडलिटीज़ पूरी स्टडी करते हैं और फिर वो उस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं टू दी